हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में एक हमारे व्यूअर हैं सैफियुर रहमान जो कि मालेगांव महाराष्ट्र से आते हैं और इन्होंने पूछा है कि सर टैली ईआरपी 9 में गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स का ग्रुप क्या लगाएंगे। तो इस कंडीशन में आज हम बात करेंगे। वैसे गुड्स परचेज करते समय ग्रुप की तो बात हमने पहले भी की है, तो देखिए यहां से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट पर जाकर के भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप मिल जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का ग्रुप एक आप क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ से क्रिएट पर जाकर के आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब कि वाउचर में जाकर कैसे करेंगे। तो वाउचर में जाते हैं और ये देखिए परचेज वाउचर में आ चुका हूं मैं। यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे। ये लगा करके एंटरप्रेस करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर आएंगे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और लेजर लगाने के बाद यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक ठीक है। तो ये लिख दिया हमने डेटॉल इस तरीके से, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके और यहाँ बना लेंगे डेटॉल। तो ये हमने डेटॉल बना लिया और एंटरप्रेस किया। अब डेटॉल का ग्रुप क्या होगा, एक ग्रुप देखिए यहाँ पे साइड में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, क्रिएट पे जा करके और यहाँ पे डालेंगे हम मेडिसिन, ठीक है। तो ये मेडिसिन हमने डाल दिया और मेडिसिन का एक ग्रुप बना दिया हमने। और यहाँ पर ग्रुप बनाने के बाद ये दिया हुआ है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। तो यहाँ पर आप इसको अभी नो ही रखिए, ठीक है, और अल्टर जीएसटी डिटेल को भी नो रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें आइटम कर देना है, ये हमने बना रखा है। और अगर आप बैचेस की डिटेल को यस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह आ जाएगी आपके लिए। ये हो गया, अब यहाँ पर जीएसटी जो है अप्लीकेबल ही रहेगा। एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये बन गया, अब इसका ग्रुप हमने बना लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर बैच नंबर डालना है आपको, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बैच नंबर। तो यहाँ पे जो भी बैच नंबर है वो डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आएगी क्वांटिटी, तो 56 क्वांटिटी मैं कर देता हूँ, रेट कर देता हूँ 34 रुपीज। एंटरप्रेस करते हैं और यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, एंटरप्रेस करते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी आ जाएगी। तो 2 जुलाई 2020 में बना था, ठीक है, तो 2/7/2022 में ये एक्सपायर होगा। एंटरप्रेस करता हूँ तो ये हो गया आपका, इस तरीके से ये डेटॉल बन गया। अब अगर इसी ग्रुप में, अब ग्रुप तो एक बना लिया हमने, तो फिर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, दूसरा स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है, लाइक सेवलॉन करते हैं, सेवलॉन, ठीक है। तो ये भी मेडिसिन के ही ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आपको ग्रुप दिखाई पड़ेगा मेडिसिन, तो आप सीधा मेडिसिन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आइटम करके और बाकी सारी चीजें आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, एक्सपायरी वगैरह सब कैसे देना है, तो वो आप करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। अब यहाँ पर बैच नंबर की बात आएगी तो यहाँ पर बैच नंबर कर देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी की बात आएगी, क्वांटिटी डाल देते हैं और फिर रेट, तो रेट इसका जो भी है, तो इस तरह से रेट डाल दिया हमने और एंटरप्रेस करके। और अब यहाँ पे एक्सपायरी डाल देंगे, तो 2 जुलाई 2020 को बना था, तो 2/7/2022 को ये एक्सपायर होगा, तो एंटरप्रेस कर देते हैं। अब इसको इस तरह से कर देते हैं, तो ये देखिए सेवलॉन भी बन गया। और अगर और भी कोई चीज बनाना चाहते हैं लाइक यहाँ पे कर देता हूँ पैरासिटामॉल, ठीक है, एंटरप्रेस करते हैं। और ये भी मेडिसिन ही है तो इसे मेडिसिन के ग्रुप में डाल देंगे, आइटम करेंगे। यहाँ पे इसकी भी एक्सपायरी होगी तो यहाँ पे एंटरप्रेस करते हुए इसको आप एक्सेप्ट कराते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर फिर बैच नंबर की बात करेंगे, तो ये बैच नंबर डाल दिया हमने। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, 60 पैकेट्स हैं इसके, ठीक है, 60 पत्ते इसके हैं और एक की कीमत पड़ रही है हमको 20 रुपए। तो ये इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल आ गया। और यहाँ पर एक्सपायरी कर देंगे, तो यहाँ पे कर देता हूँ एक इस तरह से कर देता हूँ एक्सपायरी 2023, ठीक है, एंटरप्रेस करते हैं। और इस तरह से आप ये बना सकते हैं बहुत ही इजिली, ठीक है। तो ये मेडिसिन का एक ग्रुप तैयार हो गया। अब बात करें कोई और ग्रुप बनाना है हमको तो वो कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक ग्रुप बनाना है लाइक ग्रोसरी का ग्रुप बनाना है, मतलब ग्रोसरी के आइटम आटा दाल चावल चीनी इन सब के लिए सामान जो खरीदते हो तो वो ग्रोसरी में जाएगा, तो उसके लिए एक ग्रुप बना दीजिए ग्रोसरी, ठीक है। तो स्टॉक आइटम पहले बनाते हैं, तो स्टॉक आइटम में मैं कर देता हूं आशीर्वाद आटा। एंटरप्रेस किया फिर यहाँ पे एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर किलो होगा तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा यूनिट, तो यहाँ कर देता हूँ केजी और एंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ किलोग्राम इस तरीके से और एंटरप्रेस कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे के प्रेस करता हूँ, किलोग्राम्स आ जाएगा और एंटरप्रेस करके यहाँ 3 कर देता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ और एंटरप्रेस करके इस तरीके से कर देता हूँ। और यहाँ पर भी आप चाहे तो बैचेस की डिटेल को यस रख सकते हैं,
तो यहां पे y प्रेस कर देते हैं, यहां पर भी y प्रेस करेंगे, यहां पर भी y प्रेस करेंगे और GST को इस तरह से करके और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहां पर बैचेस नंबर आएगा, बैच नंबर जो भी है आपका वो आ जाएगा। यहां पे क्वांटिटी आएगी, तो यहां 50 किलो आशीर्वाद आटा है, ठीक है। और रेट क्या है, रेट है आपका 30 रुपए किलो, तो ये आ गया इस तरीके से। अब यहां पे एक्सपायरी आएगी, तो यहां पे 2 जुलाई 2020 को बना है, 2/7/2021 इसकी एक्सपायरी है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, फिलहाल इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवाते हैं। अब मान लीजिए आपको ये करना है कि इसको किसी ग्रुप के अंदर डालना है, तो क्या करना होगा, तो हमको कहां जाना पड़ेगा, अल्टर पे जाना पड़ेगा, तो ये अल्टर पे आए, ठीक है। अब जो स्टॉक आइटम हमने बनाया जिसको आप अल्टर करना चाहते हैं उसमें चले जाइए, तो यहां से आपको आशीर्वाद आटा यहां पे आ जाइए और इसके लिए ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए यहां पर ग्रुप बनेगा, यहां पे जाइए और यहां पे ग्रोसरी कर सकते हैं आप, ग्रोसरी, ठीक है, यहां से ग्रोसरी कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और बस ये ग्रुप आपका तैयार हो गया। अब ये इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो अब ये हो गया। तो यानी कि अब जब भी आप बनाएंगे, अब फिर देखिए यहां पे जब भी एंट्री पास करेंगे, तो अब इस बार शुगर ले लेते हैं, तो ये यहां पे कर देता हूं रितेश जी, ये दूसरी क्रिएटर पार्टी है, एंटर प्रेस करके यहां पे आ जाएंगे, यहां पे परचेस अकाउंट। अब इस बार कर देते हैं शुगर, SUGAR, ठीक है, शुगर आ गए। अब यहां पर आएंगे तो यहां पे देखिए दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक ग्रोसरी दिख रहा है, एक मेडिसिन दिख रहा है, तो ग्रोसरी सेलेक्ट कीजिए और यहां किलो कर दीजिए और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर कोई एक्सपायरी नहीं रखता हूं फिलहाल, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। बैच नंबर यहां पे देना वैसे ठीक तो नहीं है, चलिए दे देते हैं, और यहां पे क्वांटिटी दे देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी मान लीजिए कि 20 किलो चीनी परचेस किया जा रहा है, ठीक है, और रेट क्या है, रेट है आपका 42 रुपए किलो के हिसाब से। ये हो गया, एंड ऑफ लिस्ट करता हूं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसे मैंने डाला किसके ग्रुप में है, ग्रोसरी वाले ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। आप कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी और प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जानी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।